तो देखो भाई लोग, टाटा ब्लैकबेर्ड के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको बताना चाहूंगा, टाटा ब्लैकबेर्ड टाटा की अपकमिंग मिड साइज एसयूवी कार होने वाली है, जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगी हुंडई क्रेटा के साथ, किया सेल्टोस के साथ इसका मुकाबला रहेगा। इसके अलावा स्कोडा की कुशक, वोक्सवैगन की टाइगन और एमजी एस्टर को यह कार कड़ी टक्कर देने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस कार के अंदर आपको नया 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन लगभग 160 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेगा, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पावर आउटपुट मिलने वाला है। और सेम पेट्रोल इंजन को टाटा कंपनी हैरियर के अंदर और सफारी के अंदर देने वाली है, क्योंकि आज के डेट में टाटा हैरियर और टाटा सफारी के अंदर सिर्फ एक डीजल इंजन आता है, उन दोनों ही कारों के अंदर सेम पेट्रोल इंजन का यूज किया जाएगा। लेकिन टाटा ब्लैकबेर्ड के साथ भी टाटा कंपनी सेम इंजन को देने वाली है, और ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली मिडिल साइज एसयूवी कारों को टक्कर देने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा ब्लैकबेर्ड को रिसेंटली टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, इसके बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका फ्रंट का फीचर और साइड का प्रोफाइल देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरा कैमोफ्लेज था इसके एक्सटीरियर में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें विजिबल नहीं थी, लेकिन अब टाटा ब्लैकबेर्ड फाइनली टेस्टिंग फेज में आ चुकी है। अगले एक दो महीनों के अंदर इसको इंडियन मार्केट में रिवील किया जाएगा, उसके बाद टाटा ब्लैकबेर्ड ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। आपको बताना चाहूंगा, इस कार का एक्सटीरियर लुक कम्प्लीटली नया रहने वाला है, और इस कार के इंटीरियर में बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस कार के अंदर आपको IRA नाम का कार कनेक्ट टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा, बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी ऑफर कर सकती है, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, लेदर के सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको टाटा के ब्लैकबेर्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और रिसेंटली मारुति सुजुकी ने ग्रैंड विटारा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, और टोयोटा ने हाईराइडर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। दोनों ही कारें सेम सेगमेंट की कारें हैं, और दोनों ही कारों का मुकाबला इंडिया में अब ब्लैकबेर्ड के साथ होने वाला है। और आज के डेट में इस सेगमेंट में क्रेटा सबसे बिकती है, और आने वाले कुछ महीनों में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा क्रेटा को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि उसको काफी बढ़िया तरीके से रिस्पांस मिल रहा है और वो अच्छा खासा माइलेज दे देती है। जैसे ही टाटा ब्लैकबेर्ड इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, ये डेफिनेटली इन कारों को कम्पीट कर सकती है। अब ये टोटली डिपेंड करता है टाटा के ऊपर, यानी टाटा इसको कब इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है, इसका लुक कैसा रहेगा, इसका इंटीरियर कैसा रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई, इसका लुक आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरह से हैरियर का लुक है, जिस तरह से टाटा पंच का लुक है, यानी जितनी भी टाटा की बाकी कारों का लुक है, वो डेफिनेटली लोगों को पसंद आ चुका है, और टाटा भी इस कार का लुक अच्छा खासा रख सकती है, और इसके इंटीरियर में भी टाटा कंपनी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर कर सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। जैसे ही टाटा इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।